हमें फर्स्ट वीडियो में फ्राई किया ना, अभी चटनी कैसे बनाएंगे वो तो दिखाएंगे। हम फ्राई किया था ना फर्स्ट में, कैसा दिखता अभी इसी में रखने से ऐसा कलर आएगा, निकालने से वो कलर नहीं आता है। फिर से ये चिल्ली, टमाटो, ऑनियन सभी फ्राई किया ना। अभी फर्स्ट में हम एक ग्राउंडनट एक मिक्सी में डालना है, मिक्सी में डालकर सॉल्ट डालना है 2 1/2। डालने के बाद ये फर्स्ट मिक्सी करना है। ये गार्लिक है ना, ये इसी में डाल सकते हैं। फर्स्ट ये मिक्स करना है। ये थोड़ा मिक्स होने के बाद अभी इसमें है ना ये चिल्ली, टमाटो, ये सब इसी में डाल सकते हैं। इसी में थोड़ा पानी डालकर, ज्यादा नहीं थोड़ा ही डालना, चाय तो ज्यादा रखते हैं, ये ज्यादा दिन आएगा। फ्रिज में रखने से 3-4 डेज अच्छा रहते है। बस अभी चटनी रेडी हो गया। हमको टेस्ट करने कैसा अभी ऐसा आएगा, नहीं तो अभी मिक्स कभी कर सकते हैं। पेस्ट जैसा रह रहे तो अभी थोड़ा कर सकते हैं, नहीं तो वैसा ही रख सकते हैं। तो अभी साल्ट सभी ठीक है नहीं तो देख सकते, देखो एक ठीक है, सभी ठीक है। अभी एक डब्बा में डाल सकते, दाल को डोसा राइस में, चपाती में, उपमा सभी में खा सकते हैं। चटनी हो गया। ओके, थैंक यू।